हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की हिसार की। जो इसके जो एडमिशन है, जो यूजी के थे वो पहले ही शुरू हो गए थे और आज पीजी का भी नोटिस आ चुका है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पीजी के एडमिशन की मतलब एंट्रेंस कब होगा, एडमिशन फॉर्म कब से है, लास्ट कब है, कब मेरिट लिस्ट लगेगी, आपका सिलेबस क्या है, क्या फॉर्म की फ़ीस लगेगी, ए से लेकर जेड तक से सारी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम कि आप इसको ऑफिशियल पेज पर आना है, यहाँ पर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन देता हूँ, वहाँ पर इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको एडमिशन ऑफ पीजी पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेयर आएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा की डेट ऑफ एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे आप इस पर नोटिस करते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पर। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो आपके एडमिशन है, वो 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं कल से। उसके बाद उसकी लास्ट डेट है फीस सबमिशन की, वो 8 अगस्त तक। आप 8 अगस्त तक की फ़ीस इसमें भर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल सबमिट होता है, वो आप 10 तारीख तक इसको कर सकते हैं। अगर आपकी फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, वो आप 11 तारीख को करवा सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ अपडेट यानी कोरेक्शन, मतलब आप 11 तारीख तक, 11 अगस्त तक को करवा सकते हैं इसमें। उसके बाद वो डिस्प्ले ऑफ टेंटिव स्कोर मार्क जो स्पोर्ट वेटेज की होती है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर, वो आप 13 तारीख को अपलोड होगी। उसके बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग स्पोर्ट वेटेज यानी थोड़ी ईमेल, तो आप 17 तारीख तक उसको ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है आपके एंट्रेंस के लिए, वो MBA MCOM के हैं, जो 12 अगस्त को जाएंगे। वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, वो 19 अगस्त को जाएंगे। हम बात करते हैं कि एंट्रेंस कब होंगे इसके, तो इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं बता रखी है। मैं आपको ज़्यादा जानकारी बताता हूँ कि कहाँ पर मिलेगी आपको, जिसमें लिख रहा है कि प्लीज़ चेक चैप्टर 6 ऑफ द प्रोस्क्रिप्ट। हमें अपने प्रोस्क्रिप्ट में चलते हैं, वहाँ पर बताते हैं उस पर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ से आपको बैक करना है, जैसे मैं यहाँ से आपको बैक करता हूँ इसको, जैसे मैं आप बैक कर दिया, अपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा जैसे डाउनलोड प्रोस्क्रिप्ट, जैसे इस पर डाउनलोड कर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो डाउनलोड होने लग जाएगा। जैसे डाउनलोड हो चुका है, जैसे इसमें दिखाते हैं, सबसे पहले चैप्टर 6 सबसे वो एंट्रेंस की डेट कब है, जैसे काउंसलिंग किसके बारे में 87 पेज पर। जैसे हम चलते हैं और नीचे है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपको इस पर एडमिशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहेंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। जैसे यहाँ पर है चैप्टर 6 काउंसलिंग, जो इस फॉर्म के बारे में बता रहा है कि कितनी वो कुछ है। जैसे नीचे चलते हैं थोड़ी और, जैसे ये रही यहाँ पर शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस, डिस्प्ले ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, काउंसलिंग डेट वगैरह वगैरह, से यहाँ आप जानकारी सारी। जैसे ये सबसे पहले है MBA के लिए हाल स्ट्रीम में MCOM, जो आपका एंट्रेंस डिस्प्ले है टेस्ट है, वो 16 अगस्त को है। टाइमिंग आपकी सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक है। डिस्प्ले ऑफ इंटरेंस रिजल्ट 17 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो काउंसलिंग है 14 को, 25 को, 25 का फर्स्ट है, फिर 29 की, आपका यहाँ से आप काउंसलिंग सारे देख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड में है, वो एम फार्मा प्रोग्राम के हैं, इसके भी यही हैं। इंटरेंस इसका 24 अगस्त को होगा, यहाँ से आप सभी सारी जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद MSc के देख सकते हैं यहाँ से लगभग यहाँ पर 24, 25, 26 तारीख को यहाँ पर फर्स्ट इसमें फिजिक्स के, कंप्यूटर के, मैथ के, इनके आपके इंट्रेंस हो गए। और इनका भी फर्स्ट काउंसलिंग है जो 29 तारीख को, 2 तारीख को और 5 तारीख को होगी यहाँ पर, जैसे थर्ड काउंसलिंग भी यहाँ पर अच्छा जानकारी दे सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। तो फिर उसके बाद दिखाते हो नीचे करते हैं, कुछ कोर्स और हैं, जैसे यहाँ पर ये रहे लगभग 16 है यहाँ पर, तो इसके जो इंट्रेंस है 16 को होगा, 27 को, 29 को, इस प्रकार इनका जो इंट्रेंस है यहाँ पर। आप जो भी आपका सब्जेक्ट हो यहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद जैसे दिखाते हैं नीचे, जो MTech प्रोग्राम के यहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद
आपको बताता हूँ फीस के सीट कितनी कितनी है, हर कोर्स में कितनी सीट है वो भी बताता हूँ आपको मैं। जैसे द थियरी डेस्कटॉप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जो एम टेक की हम बात करें तो लगभग इसमें 30-20 सीट है, जहाँ अलग अलग जो डिपार्टमेंट है यहाँ से, इसमें उसमें बात करते हैं बी एम फार्मा के बारे में। जैसे एम एस सी में यहाँ पर है 10 अगर वगैरह, जैसे एम एस सी केमिस्ट्री में देखा तो 50+2+ जो प्लस वाली है, ये कोटा वाली यहाँ पर दिखा रहा है कि इन्होंने अलग अलग डिफेंस पर्सन इन सर्विस मतलब, उसके बाद यहाँ से इसको है। जैसे यहाँ पर एम बी एम कॉम की बात करें तो यहाँ पर 60-30 सीट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी। उसके बाद देख की डेट है, उसके बाद हम बात करते हैं कि कितनी फीस लगेगी। जैसे ये तो टेस्ट हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन वाला जो बी फार्मा वाले लेती है, HSTS पंचकुला वाली यूनिवर्सिटी, उसमें हम चलते हैं नीचे। जैसे यहाँ पर फीस आपको दिखाएगी, ये फीस रजिस्ट्रेशन फीस जो आपके जनरल कैटेगरी की वो 1400 रुपये है, और जो एस सी की है वो उसमें दिखा रहा है 350 रुपये, डिप्रेस SC, उसके बाद NBC की है जो 350 रुपये है इस प्रकार से, और जो EWS की है वो 700 रुपये है। इस प्रकार की जो आपकी है फीस लगेगी। अगर इससे संबंधित अगर आपको और बताता हूँ कि वो जो आपका एंट्रेंस सिलेबस है वो आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी वही होम पेज पर आना। जैसे मैं होम पेज पर आ गया, यहीं पर, यहाँ पर आपको जैसे इसको आपको एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपने को नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। उसमें आपको दिख जाएगा कि एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपको दिख जाएगा, आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने हर सब्जेक्ट का यहाँ पर एंट्रेंस सिलेबस आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप किसी पर क्लिक करके इसका सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें आपको एक दिखाता हूँ एक मास्टर ऑफ कॉमर्स का, जैसे यहाँ पर MBA इनका यहाँ पर है, जिससे D है इंग्लिश में, इस प्रकार यहाँ से आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। टॉपिक वाला यहाँ पर बता रखा है कितने के कुछ है। अगर आपको और कुछ भी पूछना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।